हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ये सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें हम जो किरण की चैप्टर वाइज बुक है आपकी जनरल अवेयरनेस की, उसका निचोड़ आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पिछली बार मैं चैप्टर आपके लिए इंडियन पॉलिटी लेकर आया था तो अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया, और अब की बार मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी। जी हाँ, वर्ल्ड जियोग्राफी के बहुत अच्छे प्रश्न इसमें डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। उन प्रश्नों से रिलेटेड कौन से और प्रश्न आ सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आपको बार बार ये बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, एक बार आपको ये जरूर पढ़नी पड़ेगी। यदि आपको ये बुक पढ़नी है और आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे वन बाय वन प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, वेयर इज द आइलैंड ऑफ मैन लोकेटेड। ये आपका सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। सो आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पे लोकेटेड है आपका? ये लोकेटेड है आपका नदन आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ अर्थ एक्टिव वोल्केनोज कंसेंट्रेटेड। जो पृथ्वी के सबसे एक्टिव आपको वोल्केनो मिलते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? यूरोप में मिलते हैं, पैसिफिक ओशियन में मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, साउथ अमेरिका में। तो हमें कहाँ पे मिलते हैं? पैसिफिक ओशियन में मिलते हैं। आप जानते हैं जो पैसिफिक ओशियन है सबसे लार्जेस्ट ओशियन है, सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। सो उसका जो एरिया है दोस्तों, वो हमारा जो पृथ्वी का लैंड एरिया है उससे भी ज़्यादा है। यानी कि यदि हम बात करें पैसिफिक एरिया के, पैसिफिक ओशियन के एरिया की, तो वो लगभग पूरे पृथ्वी के एरिया का 1/3 है, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है। यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, ये पैसिफिक ओशियन का एरिया है और ये जो हमारा लैंड मास है अर्थ का, ये उसका एरिया है। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो पैसिफिक ओशियन है उसको जो हमारा इक्वेटर है दो भाग में बांट देता है। एक भाग बन जाता है ऊपर वाला नॉर्थ पैसिफिक और नीचे वाला बन जाता है साउथ पैसिफिक। और यदि हम पैसिफिक ओशन की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है दोस्तों? ये नॉर्थ में आर्कटिक से लेके साउथ में अंटार्कटिक रीजन तक फैला हुआ है। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों पैसिफिक ओशन में सबसे एक्टिव वोल्केनो जो हमें मिलते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें पैसिफिक ओशन में मिलते हैं। रिंग ऑफ फायर आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बेल्ट ऑफ फायर आपने नाम सुना होगा। तो ये सारी बेल्ट जो है वोल्केनो की कहाँ पे है? सारी पैसिफिक ओशियन में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आता है, वो है मरीना ट्रेंच का। मरीना ट्रेंच दोस्तों सबसे गहरी, दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच है ये, और ये कहाँ पे है? ये भी पैसिफिक ओशियन में ही है और इसकी जो गहराई है वो है 10,911 मीटर। नेक्स्ट है आपका, द सवाना फाइंड्स इट्स आइडियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ इन। तो आप सवाना, आप जानते हैं ग्रासलैंड होता है, मैं आपको ग्रासलैंड आगे इम्पोर्टेंट बताऊंगा। तो यहाँ पे से इसकी सुटेबल कंडीशन पूछ रहा है कि इसकी आइडियल कंडीशन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी होगी। तो जो सवाना होती है उसकी आइडियल कंडीशन उसके लिए होती है हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट विद लॉन्ग ड्राई सीजन। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। दोस्तों यदि हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे ग्रासलैंड उगते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं जो हमसे हमारी हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों प्रेरीज, आप देख लीजिए पेपर उठा के रेलवे और सीजीएल के, एसएससी के, आपको बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट मिलेगा। तो ये किस रीजन में उगते हैं? यूएसए रीजन में उगते हैं। उसी तरह दोस्तों सवाना अभी आपसे पूछा गया है जैसे, तो उसी तरह आपसे बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है स्टेपे। स्टेपे कौन से रीजन में उगता है भाई? यूरोप और नॉर्थ एशिया रीजन में। उसी तरह आप यदि आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा तेगा। तेगा कौन से रीजन में उगता है? यूरोप और एशिया में। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। यदि आपसे देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी में करवा रहा हूँ और आपसे पूछा गया प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ का है, तो ये मैंने नहीं लिया प्रश्न क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह वेल्ड पूछा गया है एक दो बार, वेल्ड कहाँ का है? साउथ अफ्रीका है। मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना भूल गया, पैम्पास। पैम्पास बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है। पैम्पास कहाँ का है? अर्जेंटीना का है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसी तरह मैं बात करता हूँ, एक दो बार हमसे कैंटेबरी भी पूछा गया है। कैंटेबरी आपका न्यूजीलैंड का है। फिर उसके बाद हमसे दो तीन बार सेल्वास भी पूछा गया है। सेल्वास कहाँ का है? साउथ अमेरिका का है। लगभग इसमें से सारे रिपीट हो चुके हैं, बट जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है जैसे वो है प्रेरीज हैं, पैम्पास है, स्टेपे है, सवाना है और तेगा है। ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। और एक दो बार रिपीट हुआ है हमारा डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, ओके। इनको नोट कर लीजिए आप।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन जर्मनी, जर्मनी में से कौन सी रिवर बहती है निम्नलिखित में से। सो जर्मनी में बहती, जर्मनी में से बहती है दनूबे। ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। दोस्तों दुनिया की नदियों से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आपसे पूछ ले दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका आंसर होगा नील नदी, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर की है। उसके बाद यदि दोस्तों आपसे पूछ ले कि यूरोप की जो यूरोप है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका आंसर होगा दोस्तों वोल्गा, वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछ ले जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका आंसर होगा यांगजे, यांगजे नदी है जो सबसे लंबी नदी है एशिया में। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले जो उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है तो उसका नाम है मिसौरी मिसिसिपी, इसका नाम सुन लीजिए मिसौरी मिसिसिपी। फिर यदि आपसे पूछ ले दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है अमेजन। और यदि आपसे पूछ ले संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो अमेरिका है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है मिसौरी मिसिसिपी। और चीन की सबसे लंबी नदी दोस्तों यांगजे है, ये भी फिर दोबारा से आ गया, एशिया की सबसे लंबी नदी भी है और चीन की सबसे लंबी नदी भी है। उसके बाद आपसे पूछ ले भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सो भारतीय महाद्वीप की है भाई सबसे लंबी नदी सिंधु नदी, ठीक है। और आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ऑस्ट्रेलिया की, देखिए भारतीय महाद्वीप की बात हो रही है भारत की नहीं हो रही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मुरे डार्लिंग, मुरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। और यदि आपसे पूछ ले यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है सेवन। और आपसे पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखिए पानी की मात्रा के संदर्भ में बिल्कुल जिसका फ्लो बहुत ज्यादा भयानक होता है, बहुत ज्यादा पानी इसमें फ्लो करता है तो वह है उस हिसाब से अमेजोन। फ्लो के पानी के फ्लो के हिसाब से बात करें उसकी वॉल्यूम के हिसाब से तो अमेजोन है। और विश्व की सबसे गहरी नदी की हम बात करें जो है वो है कांगो, कांगो नदी को जैरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको फैक्ट। देखिए जो हमारी भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा को जो नदी दो बार काटती है, ठीक है, वो नदी कौन सी है भाई आपकी भूमध्य रेखा को दो बार पार करने वाली, जैरे। और अभी मैंने आपको बताया जैरे को हम किस नाम से जानते हैं, कांगो नदी के नाम से। दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कांगो आ जाए जैरे आ जाए तो आपको क्लिक कर देना है बस सीधा। और नेक्स्ट है आपका, अभी मैंने आपको दनूबे जिसे हिंदी में डेन्यूब नदी के बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो विश्व की चार राजधानी है जैसे बुडापेस्ट बेलग्रेड वियना और ब्रासिल्वा, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और यह नदी जो है 10 देशों से बहती हुई जाती है। और अभी मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा को दो बार काटती है नदी जैरे जिसे कांगो नदी कहते हैं। एक और याद कर लीजिए आप, पीली नदी को, पीली नदी के नाम से जाना जाता है इस नदी को, और इसको चीन के दुख के रूप में भी जाना जाता है, बहुत ही भयानक बाढ़ आती है इस नदी से, तो वो है आपकी हुआंग हो, हुआंग हो। देखिए आपसे यदि पूछ ले कि वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को दो बार काटती है तो वो कौन सी है, लिम्पोपो नदी, ये भी नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वेयर इज नॉर्मेंडी बीच लोकेटेड, नॉर्मेंडी आप जानते हैं बीच वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई है तो अक्सर ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है। सो नॉर्मेंडी बीच दोस्तों कहां पर है, नॉर्मेंडी बीच फ्रांस में है। डाइक्स आर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड इन, डाइक्स कहां पर बनते हैं यदि इकोलॉजिकल, इसको जियोलॉजिकल सॉरी व्यू पॉइंट ऑफ से देखें, सो डाइक्स कहां पे बनते हैं, हॉलैंड में बनते हैं डाइक, ठीक है। और डाइक क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए पहले से ही दो चट्टाने हैं, ठीक है, और उनके बीच में गैप है तो सेडिमेंट की वजह से या लावा की वजह से ये बीच का हिस्सा भर जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका कोलोराडो इन यूएसए इज फेमस फॉर दिस लैंडफॉर्म, कोलोराडो यूएसए का जाना जाता है किसके लिए, आपने सुना होगा अक्सर मूवीज में भी देखा होगा, किसके लिए जाना जाता है, ग्रैंड कैनियन के लिए, ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। इसके अलावा कुछ फेमस इंडिया के भी प्लेसेस हैं जो हमसे पेपर में पूछे जा चुके हैं, अजंता अलोरा केव्स के तो क्वेश्चन आप जानते हैं, घिसे पिटे हो चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, महाराष्ट्र में ये गुफाएं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है।
अमरनाथ गुफा हम जानते हैं कश्मीर में है, इसके अलावा तो आप जानते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है आपका डल लेक, हम सभी जानते हैं श्रीनगर में है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, हम सभी जानते हैं कहाँ पे है। जगन्नाथ टेम्पल हम सभी जानते हैं उड़ीसा में है, जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल पे प्रश्न आ चुका है। चिल्का लेक बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका प्रश्न है स्टैटिक जीके का, चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसके बाद हम अंबर पैलेस की बात करें, अंबर पैलेस जयपुर में है, नाहरगढ़ फोर्ट भी जयपुर में है। और इसके बाद हम इम्पोर्टेंट, मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट दोस्तों बता रहा हूँ ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टावर ऑफ विक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, कहाँ पे है ये, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। इसके बाद हम बात करते हैं दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान के अंदर है। पुष्कर लेक रह गई हमारी, ये भी पूछा जा चुका है, ये अजमेर में है, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच टू कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय एन अंडर वाटर टनल, तो कौन सी दो देश हैं जो आपस में अंडर वाटर टनल से कनेक्ट हैं, तो वो हैं आपके फ्रांस एंड इंग्लैंड, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। विच कंट्री इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्किपिलागो, आर्किपिलागो आप सभी जानते हैं क्या होता है, कि ऐसे ही ऐसा एरिया जो समुद्र में क्या हो, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और इसके अंदर छोटे छोटे कहीं कहीं बिखरे हुए आइलैंड हैं, तो इन आइलैंडों का समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्किपिलागो। तो ये सबसे ज्यादा हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों, इंडोनेशिया में, ऑप्शन टू है राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट रिसीव रेनफॉल एनी टाइम ऑफ द ईयर, पूरे साल में इस क्षेत्र में कभी भी बारिश नहीं होती है, तो ये कौन से क्षेत्र की बात यहाँ पे कर रहा है, तो ये बात कर रहा है पोलर रीजन की, ध्रुवीय क्षेत्रों की, ऑप्शन थ्री है राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे किस डैम की बात हो रही है ग्रेविटी के हिसाब से, तो वो है भाखड़ा डैम, ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं हमारे देश के अंदर और उनसे रिलेटेड नदियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट आज तक पूछे गए हैं वो मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी के ऊपर है और ये कहाँ पे पड़ता है, तेलंगाना में। फिर इसके बाद सरदार सरोवर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है, नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात में है। फिर इसके बाद है हीराकुंड, आप सभी जानते हैं सबसे लंबा बांध है इंडिया का और ये कहाँ पे है, महानदी पे, और ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। इसके बाद मैं आपको और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, टिहरी डैम बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, भागीरथी रिवर के ऊपर है, ये कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, कृष्णा राजा सागर ये है कावेरी नदी के ऊपर, कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। इसके बाद है आपका मुल्ला पेरियर डैम पेरियार रिवर के ऊपर है और केरला में है। फिर इसके जस्ट बाद है आपका गांधी सागर डैम चंबल नदी में है और ये मध्य प्रदेश में है। नीमो बाजगो इंडस रिवर के ऊपर है और ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपसे पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में वो मैंने बताए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें पोंग डैम भी एक दो बार आपसे रिपीट हो चुका है, पोंग डैम जो पड़ता है आपका ब्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में, पोंग डैम को महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज आर रॉन्गली मैच्ड, तो यहां पे देखिए टाइफून एक ही ऑप्शन सही है बस आपका, टाइफून चाइना सी, टाइफून्स होते हैं जो चाइना सी में आते हैं, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं ठीक है, तो बी सी डी आंसर हो जाएगा इसका। मेन रीजन फॉर डिफोरेस्टेशन इन एशिया, भाई जंगल कटना, जंगलों के खत्म होने का मेन कारण एशिया में क्या है, तो एशिया में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वुड कलेक्ट करते हैं जंगलों से, किस काम के लिए, फ्यूल के लिए। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, एक्सेसिव फ्यूल वुड कलेक्शन, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्यूज कैनाल कनेक्ट, जो स्यूज कैनाल है भाई वो किस किन दो रीजनों को आपस में कनेक्ट करती है, तो जो स्यूज कैनाल है वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है, ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। यदि हम बात कर लें इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स और कैनाल की, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है, तो सबसे पहला ही नाम दोस्तों स्यूज कैनाल हम पढ़ चुके हैं,
तो इसके बाद दोस्तों आता है बेरिंग स्ट्रेट का, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है ये, अलास्का और साइबेरिया लैंड मास को कनेक्ट करती है, और आपसे पूछ ले दी एग्जाम में वाटर बॉडी कौन सी को कनेक्ट करती है, ये पैसिफिक और आर्कटिक को। फिर इसके बाद है पल्क स्ट्रेट, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है, इंडिया और श्रीलंका को आपस में डिवाइड करती है ये, और यदि हम बात करें कौन सी वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को आपस में कनेक्ट करती है। फिर इसके बाद है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर दोस्तों अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये इंडोनेशिया सुमात्रा और मलेशिया को आपस में डिवाइड करती है, बट पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन को जोड़ती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, पूछी जा चुकी है 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को आपस में डिवाइड करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट्स हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल जो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है, ये नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को आपस में जोड़ती है, ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इन विच कंट्री इज द वोल्केनो माउंट गेमकोनोरा द हाइएस्ट पीक ऑफ हलमहेरा आइलैंड विच इरप्टेड इन जुलाई 2007 लोकेटेड इन, तो कहाँ पे है भाई ये पड़ता है आपका इंडोनेशिया में, ऑप्शन टू है राइट आंसर। नेक्स्ट है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज लैंड लॉक्ड सी, तो निम्नलिखित में से दिए गए सी में से कौन सा जो है लैंड लॉक्ड है आपको बताना है, सो जो आपका एरॉल सी है वो लैंड लॉक्ड है। द मेलेनेशियन आइलैंड ग्रुप लाइज इन, सो मेलेनेशियन आइलैंड ग्रुप है भाई जो, ये मेलेनेशियन आइलैंड ग्रुप है, ये कहां पे पड़ता है, कौन से ओशन में पड़ता है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, ऑप्शन वन है राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, निम्नलिखित में से रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है, मैं आपसे बता रहा था जब मैं आपको पैसिफिक ओशन के बारे में बता रहा था, ठीक है, तो वहां पे पड़ता है ये, तो यहाँ पे जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन हो जाएगा आपका राइट आंसर, कोस्ट के पैरेलल है वो, ईस्ट कोस्ट के पैरेलल है। सेल्वास, अभी मैंने आपको बताया था जो ग्रासलैंड थे, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे सेल्वास के बारे में पूछ रहा है, ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ब्राजील के। सुंडा स्टेट लाइज बिटवीन, सुंडा स्टेट किसके बीच में स्थित है, सुंडा स्टेट आपकी जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन बेसिन इन साउथ अमेरिका आर नोन एज, तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो अमेजोन बेसिन के हैं उनको क्या बोला जाता है, सेल्वा, ऑप्शन वन है राइट आंसर। इन जियोग्राफी गल्फ स्ट्रीम रेफर्स टू, गल्फ स्ट्रीम हम किसको बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम हम बोलते हैं वार्म ओशन करंट को, ऑप्शन वन है इसका राइट आंसर। वर्ल्ड के कुछ और इंपॉर्टेंट करंट हैं जो हॉट होते हैं या वार्म होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि हमसे पूछा जा चुका है ये अलनीनो करंट, ये वार्म ओशन करंट है, और इसके बाद हम बात करें क्रोशियो, क्रोशियो करंट है जो वार्म ओशन करंट है, नॉर्थ पैसिफिक करंट की बात करें तो ये भी आपका वार्म ओशन करंट है, ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड करंट की, हम्बोल्ट जिसे और जिसे पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है ये कोल्ड करंट है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका चाइनीज रिवर नोन एज येल्लो रिवर, कौन सी रिवर को जो है येल्लो रिवर बोला जाता है चाइना की, अभी मैंने आपको बताया था पीछे हवांग हो। फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन एरियाज, तो फिशिंग ग्राउंड जहां पे आप फिशिंग कर सकते हैं, मछलियां पकड़ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड सुटेबल जो आपको एरिया मिलेगा कहां मिलेगा, जहां पे वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलती है वो एरिया। माउंट ब्लैंक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ दीज माउंटेन रेंज, सो माउंट ब्लैंक किस जो है माउंटेन रेंज के हाइएस्ट पीक है, एल्प्स की, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। इसके अलावा यदि आपसे पूछ ले माउंटेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाइएस्ट माउंटेन आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, और अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलिमंजारो है, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, और यह भी पूछा जा चुका है माउंट किलिमंजारो है कहां पे, तांजानिया में,
हाईएस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सी है? माउंट कोस्टिजको। और हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप की कौन सी है? माउंट एल्ब्रस। और नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? माउंट देनाली। और हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ अमेरिका कौन सी है? एकोंगुआ। और हाईएस्ट माउंटेन इन अंटार्कटिका कौन सी है? माउंट विंसॉन मैसिव। और ओशियाना, ओशियाना आप सभी जानते हैं, ओशेनिया। ओशेनिया हम किसको बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूगयाना के जो एरिया है मिला के उसे हम क्या बोलते हैं? ओशेनिया। और उसकी है पुनक जाया। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड फेमस सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन। तो सेरेंगेटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है भाई? तांजानिया में। ऑप्शन टू है राइट आंसर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया की है मैं आपको बता देता हूं, जो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुकी है। पेरियार केरला के अंदर है, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर का, काजरंगा नेशनल पार्क असम में है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है। एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा लीजिए, ये बहुत ज्यादा बार रिपीट मिलेंगे आपको। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है? कौन सी रिवर के ऊपर है? विक्टोरिया फॉल्स जो आपका जम्बेजी रिवर के ऊपर है। ऑप्शन थ्री है इसका राइट आंसर। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं। नायग्रा फॉल्स आप सभी जानते हैं कनाडा के अंदर है, और एंजल फॉल है आपका चुरुन रिवर के ऊपर वेनेजुएला के अंदर है। और बस यही है इंपॉर्टेंट भाई। और विक्टोरिया तो मैंने आपको बता दिया जाम्बेजी रिवर के ऊपर जाम्बिया में है। नेक्स्ट है आपका वाटरफॉल इंडिया के भी है भाई, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देता हूँ। दूध सागर फॉल्स है जैसे कि, ठीक है, ये मांडोवी नदी के ऊपर है, गोवा में है ये। और जोग फॉल जिसे हम गैरोसोपा फॉल भी बोलते हैं, और ये आपका शरावती रिवर के ऊपर है, कर्नाटका में ये पड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करें शिव समुद्रम फॉल, तो ये आपका कावेरी नदी के ऊपर है और ये कर्नाटका में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं इंडिया के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपका पैनामा कैनाल लिंक। पैनामा कैनाल किनको जोड़ता है? पैनामा कैनाल आपका पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को जोड़ता है। ऑप्शन वन है राइट आंसर। रिवर विच हैज अ ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था किसका फ्लो सबसे ज्यादा है, अमेजोन रिवर का। रिवर अमेजोन है राइट आंसर। पेशावर इज नियर टू। पेशावर कौन से पास के नियर है? पेशावर आपका खाइबर पास के नियर है। यदि हम इंडिया के कुछ फेमस पास की यदि मैं बात करूं, एग्जाम में जो रिपीट हो चुके हैं, जोजिला पास बहुत बार रिपीट हो चुका है, जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल पास जम्मू कश्मीर में है, खरदुंगला पास जम्मू कश्मीर में है, शिपकला पास हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, मन्ना पास उत्तराखंड में है, नीति पास उत्तराखंड में है। नीति पास को छोड़ के बाकी सारे पास एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक। योसेमाइट, योसेमाइट क्या है भाई? योसेमाइट किसका नाम है? वॉटरफॉल का नाम है। विच स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया एंड तास्मेनिया। ऑस्ट्रेलिया और तास्मेनिया कौन सी स्टेट अलग करती है? बास स्ट्रेट। द कोस्ट ऑफ नॉर्वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। द कोस्ट ऑफ नॉर्वे इज एग्जाम्पल ऑफ फियोर्ड कोस्ट। ऑप्शन टू है इसका राइट आंसर। फियोर्ड कोस्ट, यदि आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक एक फोटो देख लेना इसकी डेफिनेशन के साथ। फियोर्ड्स जो होती हैं कोस्ट कौन सी होती हैं? दरअसल जो आपने देखा होगा इस प्रकार की कोस्ट होती हैं, ठीक है, ये जो इनके साथ में, ये जो लाइन के साथ में है, ये माउंटेन्स होती हैं, बहुत हाई होती हैं, और ये इस प्रकार का जो बनता है स्ट्रक्चर, ये पूरा पहाड़ होता है इधर, और ये हमारा सी होता है, तो ये फियोर्ड कोस्ट होती है। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर सेपरेटेड बाय। तो ये किससे अलग करते हैं भाई? बेरिंग स्टेट इनको अलग करती है। इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ऑन सितंबर 23 इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज। तो इस दिन को हम क्या बोलते हैं? ऑटमनल इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स तो आप सभी जानते हैं किसको बोलते हैं। इक्विनॉक्स वो कंडीशन होती है जो अर्थ का इक्वेटर होता है वो सन के सेंटर से पास करता है, यानी कि जो प्लेन होता है अर्थ इक्वेटर का वो सन के सेंटर से पास करता है, वो जो कंडीशन होता है इक्विनॉक्स में, मार्च इक्विनॉक्स में। और यदि हम बात करें सितंबर इक्विनॉक्स की, तो सितंबर इक्विनॉक्स में पतझड़ आती है,
लेकिन जब हम सदर्न हेमिस्फेयर में चले जाते हैं तो इसका उल्टा, सितंबर में तो क्या आएगी, बसंत ऋतु आएगी, और मार्च में ऑटमन यानी कि पतझड़, ठीक है। और इसकी डेट यदि हम बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 21 मार्च को होता है और ऑटमनल इक्विनॉक्स की यदि हम बात करें सितंबर 23 को होता है, ठीक है। तो ये रीजन कौन सा है, मेडिटेरेनियन, ऑप्शन 3 है इसका राइट आंसर। विच इज द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर सबसे गर्म जगह कौन सी है, अल अजीजिया लीबिया के अंदर है, ऑप्शन 2 है राइट आंसर। और सबसे ठंडी जगह कौन सी है, सबसे ठंडी जगह है आपका अंटार्कटिका। सुंडा ट्रेंच कहां पे है, सुंडा ट्रेंच इंडियन ओशन में पड़ती है, ऑप्शन 1 है इसका राइट आंसर। इसके अलावा यदि हम बात करें पैसिफिक ओशन में, मैंने आपको बताया था मरीना ट्रेंच पड़ती है, अटलांटिक ओशन में प्यूर्टो रिको ट्रेंच पड़ती है, इंडियन ओशन में 2 है इंपॉर्टेंट, एक तो जावा है और एक सुंडा ट्रेंच है। सदर्न ओशियन में साउथ सैंडविच ट्रेंच पड़ती है और आर्कटिक ओशियन में आर्कटिक बेसिन ट्रेंच पड़ती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक वो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग्स को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मॉइस्चर है, ऑप्शन 2 है इसका राइट आंसर। इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एटमोसफेयर हो गया, एसिडिटी हो गया, सॉयल टेम्परेचर, लाइट, वाटर, रेडिएशन, ये सारे सारे हमारे क्या हैं बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एबायोटिक फैक्टर है। लेक फॉर्म्ड बाय अस्वान डैम इन अफ्रीका, तो कौन सी लेक बनाता है, नस्सार, ऑप्शन 3 है राइट आंसर। लेनोस आर द ग्रासलैंड ऑफ, लेनोस कहां के हैं ग्रासलैंड, ये चिली के ग्रासलैंड है, ऑप्शन 4 है राइट आंसर। अबाउट हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो पूरे वर्ल्ड के यदि हम बात करें 7% लगभग आपका जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। विच वन ऑफ फॉलोइंग कंटिनेंट लाइज इन नॉर्दर्न स्फीयर, नॉर्दर्न सदर्न एंड ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे कौन से कंटिनेंट की बात हो रही है, अफ्रीका कौन, पूरे विश्व का जो कोयला है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, यूएसए, रशिया और चाइना में, ऑप्शन 1 है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वोल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में एक ही वोल्केनिक पीक है, उसका नाम क्या है, माउंट एरेबस, ऑप्शन 2 है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट हैव बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेज द ग्रेट थर्स्ट, तो कौन से हिंदी में क्या बोलते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान, कौन से रेगिस्तान को द ग्रेट थर्स्ट का नाम दिया गया है, वो है आपका कालाहारी डेजर्ट। अमंग द वर्ल्ड ओशियंस विच ओशियन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो सबसे चौड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसकी है, आर्कटिक ओशियन की है। विच ऑफ दीज स्ट्रेट्स सेपरेट एशिया फ्रॉम अफ्रीका, एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, बब अल मंदेब। विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट्स हैज द हाइएस्ट गोल्ड डिपॉजिट, तो कौन से डेजर्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट मिलेगा निम्नलिखित ऑप्शन में से, तो वो है आपका मोजावे डेजर्ट। जियोथर्मल एनर्जी इज मैक्सिमम यूटिलाइज इन, तो जियोथर्मल एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कहां किया जाता है, आइसलैंड में। समर रेन्स इन ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडली डिक्रीज फ्रॉम, समर रेन इन ऑस्ट्रेलिया इज ब्रॉडली डिक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऑप्शन 3 है राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक किसे कहा जाता है, वेनिस को, ऑप्शन 1 है राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग सिटीज ऑफ इराक इज लोकेटेड ऑन टिग्रीस रिवर, टिग्रीस रिवर के ऊपर इराक की कौन सा शहर है भाई, वो है आपका बगदाद। The country whose 40% of area is below sea level at high tide. तो यहाँ पे कौन से कंट्री की बात हो रही है, नीदरलैंड की। What is the name of the deadly volcano in Indonesia that erupted again in May 2016? तो इंडोनेशिया में दोबारा से फिर फटा था ये वोल्केनो, इसका नाम ही आपसे पूछ रहा है, तो इसका नाम है आपका माउंट सिंगबंग। The Eskimo live in, दो Eskimo है जो कहां पे रहते हैं, ये कनाडा यानी कि अलास्का जो है वहां पे रहते हैं, ऑप्शन 4 है राइट आंसर। Maoris is the term used for aboriginal people of,
तो मैओरीज ये जो टर्म्स है यूज की जाती है किन लोगों के लिए? न्यूजीलैंड के जो बंदे होते हैं उनके लिए। ऑप्शन टू है राइट आंसर। द मसाई इज अ प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ, मसाई कहां की ट्राइब है? तांजेनिया की। किमोनो इज अ ड्रेस स्टाइल ऑफ विच एशियन कंट्री? किमोनो इज अ ड्रेस स्टाइल ऑफ जापान। ऑप्शन वन है राइट आंसर। अरे भाई चुप हो जा, ये डॉग यार बहुत भौंक रहा है। विच वन ऑफ फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिस पेस्टोरल नोमेडिज्म? पेस्टोरल नोमेडिज्म ये जो अपनाई जाती है, पद्धति अपनाई जाती है, कौन सी ट्राइब्स के द्वारा अपनाई जाती है? पिगमाइज। येलो कॉम्प्लेक्शन, मीडियम स्टेच्योर, ऑब्लिक आई विद एन एपिकैथनिक फोल्ड आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, तो ये कौन से पीपल के होते हैं? ये होते हैं मैंगलोइड पीपल के। ऑप्शन वन है राइट आंसर। द पोलर रीजन आर स्पेर्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ, भाई जनसंख्या तो बिल्कुल ही नहीं है पोलर रीजन में, बहुत ही कम, छोटे छोटे, बहुत ही कम जो है वहां पे प्रजातियां रहती हैं, ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं भाई, क्योंकि उसकी क्लाइमेट कंडीशन खराब है, दैट्स वाई अनस्टेबल क्लाइमेट कंडीशन। ऑप्शन टू है राइट आंसर। विच इज द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर? तो कौन सा है? न्यूयॉर्क। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लॉन्ग स्टेपल टाइप ऑफ कॉटन इज मेनली ग्रोन? तो ये कहां पे उगता है भाई? इजिप्ट में उगता है। ऑप्शन टू है राइट आंसर। द पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन विच हैज वेल डेवलप्ड रबर प्लांटेशन? तो यहां पे कौन से एरिया की बात ये कर रहा है? मलेशिया की। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को? यदि आपको मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को आप जाना है आपको, तो यदि आप नॉर्थ पोल के ऊपर से जाते हो तो छोटा रास्ता पड़ेगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द रॉ मटेरियल फॉर इट्स आयरन स्टील इंडस्ट्री? तो जापान है भाई जो डिपेंड रहता है, आप सभी जानते हैं हम कितनी जो है आयरन ओर जो है जापान को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। बिजिएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड इज? तो यहां पे कौन से सी रूट की बात हो रही है? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज हैज हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन? तो यहां पे किसकी बात हो रही है? इंडिया की। ऑप्शन फोर है राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद ब्रेड बास्केट एरिया ऑफ यूएसए? तो यहां पे इसका आंसर है आपका मॉडरेट रेनफॉल इन विंटर। ऑप्शन वन है राइट आंसर। सन बेल्ट ऑफ यूएसए इज इंपॉर्टेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? सन बेल्ट जो यूएसए के, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए। डेट्रॉइट यूएसए के जो अंदर है, यूएसए के अंदर डेट्रॉइट है, इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? जो डेट्रॉइट है वो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ ग्रेप कल्टिवेशन इन फ्रांस आर स्पेशली कॉल्ड? तो अंगूर की जहां पे खेती की जाती है तो उसको बेसिकली कौन सा एरिया बोला जाता है? वाइनयार्ड, विनयार्ड बोलते हैं। द मोस्ट पॉपुलस एंड ऑयल रिच कंट्री इन अफ्रीका? तो कौन सी है भैया कंट्री? नाइजीरिया। जापान्स फेमस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन? तो कहां पे है जापान की? कोब में। द दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन? सो दाओचेंग यादिंग ये एयरपोर्ट कहां पे है भाई? तिब्बत में। सिविलियन एयरपोर्ट ऑफ हाईएस्ट एल्टीट्यूड इज इन? सिविलियन एयरपोर्ट जो सबसे ऊंचा है वो कहां पे है? चाइना में। कंट्री वेयर ड्रिप इरिगेशन इज मोर एफिशिएंटली यूज्ड? तो ड्रिप इरिगेशन का यूज कहां पे किया जाता है? इसराइल में। ऑप्शन टू है राइट आंसर। पोर्ट्स ऑफ बाल्टिक सी रिमेन ओपन फॉर ट्रेड इवन ड्यूरिंग विंटर, व्हाई? तो इसका आंसर है आपका बिकॉज नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट अ वार्म ओशन करंट फ्लोज इन द रीजन। ऑप्शन टू है आपका राइट आंसर। मेजर साउथ वेस्ट एशियन ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन? तो ये कहां पे स्थित है आपकी? शोर रीजन ऑफ पर्शियन गल्फ। ऑप्शन वन है राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट माइनिंग पोर्ट? तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माइनिंग पोर्ट कौन सी है भाई? हेडलैंड। ऑप्शन थ्री है राइट आंसर।
बर्मिंघम इन यूके इज फेमस फॉर। सो बर्मिंघम किसके लिए फेमस है भाई? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। द कंट्री विच टॉप्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ, तो कोकोआ की प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री टॉप है? आइवरी कोस्ट, ऑप्शन थ्री। थ्री क्रॉप्स दैट कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू ग्लोबल फूड ग्रेन प्रोडक्शन आर, तो कौन सी तीन की बात हो रही है यहां पे? व्हीट, राइस, मेज, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल गोथार्ड बेस टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, सो गोथार्ड टनल कहां पे है? ये है आपकी स्विट्जरलैंड। न्यू ब्रिटेन एंड न्यू आयरलैंड आर पार्ट्स ऑफ, ये किसके पार्ट्स हैं? पापुआ न्यू गुआना के, ऑप्शन फोर है राइट आंसर। बोस्निया हर्जेगोविना फॉर्म्ड द पार्ट्स ऑफ, तो ये किसका पार्ट्स बनाते हैं? यूगो स्लेविया, यूगोस्लेविया, ऑप्शन टू है राइट आंसर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लाइन ऑफ डेमार्केशन बिटवीन टू कंट्री, तो आप सभी जानते हैं मैकमोहन लाइन किसके बीच है? इंडिया और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और डुरंड लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, किसी समय इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुआ करती थी। सो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है, किसी भी दो कंट्री के बीच की रेखा नहीं है। सो ऑप्शन वन है राइट आंसर। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द ओल्ड कॉलोनी ऑफ नदन रोडेशिया, तो इसका आंसर है आपका जाम्बिया। विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप, सो बेल्जियम को बोला जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एटर्नल सिटी, किसको बोला जाता है? रोम को। द ट्रांस साइबेरियन रेलवेज कनेक्ट डैश इन द वेस्ट टू डैश इन द ईस्ट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो वेस्ट में तो मॉस्को को और ईस्ट में जो है इरकुस को कनेक्ट करती है आपस में। एक्सक्लूडिंग द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज एंड रशिया, द कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, तो सबसे ज्यादा जंगल किस कौन सी यूरोपियन कंट्री में है? यदि आप ईस्ट यूरोपियन और रशिया को निकाल दें लिस्ट में से तो ब्राजील का नाम आएगा। विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, प्लेस और लोकेशन, उनकी प्लेस और लोकेशन, तो यहां पे जो ताहिर स्क्वायर अबू धाबी के अंदर दे रखा है ये गलत है। दरअसल ताहिर स्क्वायर आपका इजिप्ट में पड़ता है, इजिप्ट के कायरो सिटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रेफर टू एज अ गार्डन ऑफ इडन एज मेंशन इन द बाइबल, तो गार्डन ऑफ इडन किसे कहा जाता था, कौन से क्षेत्र में था? कच्छ रीजन ऑफ साउथ इराक, ऑप्शन टू है राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट म्यूजियम, लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है? द लोवर, ऑप्शन वन है राइट आंसर। द करंट स्पेल ऑफ कोल्ड वेव इन द यूएस हैज बीन अ फॉल आउट ऑफ, तो इसका आंसर है आपका पॉलर वॉर्टेक्स। तो ये आपका पार्ट वन था जियोग्राफी का, आई होप आपको अच्छा लगा है। वर्ल्ड जियोग्राफी का ये पार्ट वन था। जियोग्राफी के आपके तीन पार्ट बनेंगे, दो पार्ट तो आपके वर्ल्ड जियोग्राफी के बनेंगे और हाँ चार पार्ट बनेंगे, सॉरी एक दो पार्ट आपके इंडियन जियोग्राफी के बनेंगे। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।